हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ तार 21 ऑपरेटर। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के रैंक स्ट्रक्चर्स के बारे में। हमारे एसएसबी में पूछे जाने वाला बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है रैंक कंपैरिजन ऑफ आर फोर्सेस। और इसके अलावा भी डिफेंस एस्पिरेंट होने के नाते हम सबको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंडियन आर्म फोर्सेज आर यूनिक ऑर्गेनाइजेशंस एंड टू रन सच ऑर्गेनाइजेशंस हायरार्की होनी बहुत ज़रूरी है। आइए समझते हैं इस हायरार्की को। प्री कमिशनिंग ट्रेनिंग के दौरान इंडियन मिलिट्री अकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में कैंडिडेट्स आर कॉल्ड जेंटलमैन कैडेट्स, फ्लाइंग कैडेट्स इन एयरफोर्स अकेडमी एंड नेवल कैडेट्स इन इंडियन नेवल अकेडमी। फिर आता है अंतिम पग, द फर्स्ट स्टेप टू बीइंग अ सोल्जर, जिसके उस पार कैडेट्स सिर्फ कैडेट्स नहीं रहते, वो बन जाते हैं कमीशन्ड ऑफिसर्स, लेफ्टिनेंट इन इंडियन आर्मी, फ्लाइंग ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स एंड सब लेफ्टिनेंट इन इंडियन नेवी। इसके बाद इंडियन आर्मी में रैंक स्ट्रक्चर है कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल हु इज़ ऑल्सो कॉल्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड हेड्स द इंडियन आर्मी एंड फील्ड मार्शल। सिमिलरली इन इंडियन एयरफोर्स फ्लाइंग ऑफिसर के बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल हु इज़ ऑल्सो कॉल्ड चीफ ऑफ एयर स्टाफ एंड हेड्स द इंडियन एयरफोर्स एंड मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। एंड इन इंडियन नेवी आफ्टर सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन, कमोडोर, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल एंड एडमिरल हु इज़ ऑल्सो कॉल्ड चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एंड हेड्स द इंडियन नेवी एंड एडमिरल ऑफ द फ्लीट। करेंटली द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ is General Manoj Mukund Narvane, Chief of Air Staff is Air Chief Marshal Vivek Ram Chaudhary and Chief of Naval Staff is Admiral R. Hari Kumar. Field Marshal, Marshal of the Air Force और Admiral of the Fleet एक 5-star rank है और तीनों respective forces में highest attainable ranks हैं। Indian Army में Field Marshal की rank आज तक सिर्फ दो ही officers को दी गई है। पहले हैं Field Marshal Sam Manekshaw और दूसरे फील्ड मार्शल के एम करियप्पा। इंडियन एयरफोर्स में सिर्फ मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह एकमात्र ऑफिसर हैं जिन्हें मार्शल ऑफ द एयरफोर्स की रैंक मिली है। इंडियन नेवी में आज तक किसी को एडमिरल ऑफ द फ्लीट रैंक नहीं दी गई है। ऑल थ्री फोर्सेज आर कमांडेड टुगेदर बाय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। लेट जनरल बिपिन रावत सर्वड एज इंडियाज फर्स्ट CDS फ्रॉम 1 जनवरी 2020 टू 8 दिसंबर 2021। The helicopter crash has left the office of CDS vacant. A damage was caused and will be remembered till a very long time. General Bipin Rawat, born as a Garhwali, lived as a Gorkha and died like a soldier. The supreme commander of our forces is President of India. Officer ranks or rank comparison to lagbhag sabhi aspirants ko achhi tarah se pata hoga. But junior commission ranks ki jankari thodi kam rehti hai. और ये ना सिर्फ SSB पॉइंट ऑफ व्यू से बट एज अ डिफेंस एस्पिरेंट हमें पता होनी ही चाहिए। तो अब हम डिस्कस करेंगे बिलो ऑफिसर रैंक्स को। नॉन कमीशन रैंक्स को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, नॉन कमीशन ऑफिसर्स यानी NCOs और जूनियर कमीशन ऑफिसर्स यानी JCOs। टॉकिंग अबाउट द नॉन कमीशन ऑफिसर्स, इन इंडियन आर्मी सिपाही, लैंस नायक, नायक एंड हवलदार। इन इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट्समैन, लीडिंग एयर क्राफ्ट्समैन, कॉरपोरल एंड सार्जेंट। इन इंडियन नेवी सीमैन 2, सीमैन 1, लीडिंग सीमैन एंड पेटी ऑफिसर। इसके बाद प्रमोट होके NCOs बनते हैं JCOs यानी जूनियर कमीशन ऑफिसर्स। इंडियन आर्मी में नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर। इंडियन एयरफोर्स में जूनियर वारंट ऑफिसर, वारंट ऑफिसर और मास्टर वारंट ऑफिसर। इंडियन नेवी में चीफ पेटी ऑफिसर, मास्टर पेटी ऑफिसर 2 और मास्टर पेटी ऑफिसर 1। इसके अलावा इंडियन आर्म फोर्सेज में हर साल में दो बार रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के मौके पर डिजर्विंग JCOs को मेरिट के हिसाब से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा ऑनररी कमीशन दिया जाता है। दिस कुड बी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और स्टिल इन द सर्विस। ऑनररी कमीशन ऑफिसर्स में वियर द एप्रोप्रिएट रैंक इंसिग्निया और उनके पे, पर्क्स और पेंशन एक कमीशन ऑफिसर के ही बराबर होते हैं। दी ऑनररी रैंक्स इन आर थ्री फोर्सेज आर इन इंडियन आर्मी ऑनररी लेफ्टिनेंट एंड ऑनररी कैप्टन, इन इंडियन नेवी ऑनररी सब लेफ्टिनेंट एंड ऑनररी लेफ्टिनेंट।
in Indian Air Force, Honorary Flying Officer and Honorary Flight Lieutenant. We hope आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. हम आगे भी ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे. ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने सजेशन हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो को बाकी डिफेंस एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें तार 21 ऑपरेटर को ऐसे ही डिफेंस रिलेटेड वीडियोज़ के लिए. धन्यवाद. जय हिंद.